पिछले बार मैं आप लोगों के बीच में प्रार्थना के विषय में मैं बात कर रहा था, और वो इसलिए क्योंकि प्रार्थना एक बहुत ही खास विषय है हमारे जीवन में, क्योंकि मसीह जिंदगी में अगर प्रार्थना नहीं तो कुछ भी नहीं। आइए, हम इसलिए प्रार्थना के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, हम बात कर रहे थे पिछले बार, और इस बार हम उसी प्रार्थना के विषयों को हम जो है आज फिर वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, और इसीलिए मैंने इसका टाइटल दिया है पार्ट टू। मतलब हमने पिछले बार जो सुना, और मैं विश्वास करता हूँ कि पिछले बार के आलोचना में आप लोग आशीषित हुए होंगे, और इस बार भी मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीषित होंगे, पवित्र आत्मा आपसे बातें करेंगे। और इसलिए आइए हम प्रार्थना के साथ हम लोग बैठे और जिस बात हम वचनों पर हम ध्यान लगाए। हमने सुना था पिछले बार कि प्रार्थना के विषय में कि हमारा प्रार्थना किस तरह होना चाहिए, और उस प्रार्थना में मेन बात क्या होना चाहिए। मतलब अगर प्रार्थना अगर हम विश्वास के साथ हम करते हैं तो वो प्रार्थना प्रभु के पास जो है वो ग्रहण योग्य होता है, हमारे लिए फलदायी होता है। अगर हम यूं ही प्रार्थना करते रहते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, जिस विषय में हम प्रार्थना करते हैं, जिस विषय पर हम मांगते हैं, उस विषय पर अगर हम विश्वास नहीं कर पाते, मतलब हम वो विश्वास नहीं कर पाते कि हमने मांगा तो परमेश्वर ने सुन लिया, और जब सुन लिया तो वो हमारे लिए पूरा करेगा, तो फिर उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रहता है। जस्ट हमारा एक अपने आप को सांत्वना देने जैसा एक मतलब बोल हमारा मुंह से हम बोलते हैं और बस वही होता है। तो इसीलिए हमने देखा था कि हम प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बारे में कई प्रकार के बातें, कई प्रकार के वचन हमने देखा था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में, और उसको भी हमने देखा था। उसके साथ साथ जो और एक इम्पोर्टेंट बात हमने सुना था कि हमारे हम किस तरह किस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हम वो प्रार्थना हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए आइए हम उसी जगह से हम स्टार्ट करें। आज के वचन, आज हम रोमियो उसका 8 अध्याय का हम 26 और 27 वचन को हम निकालें, और वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, और आप लोग भी अपने अपने बाइबल पर आप देख सकते हैं। तो मैं आज हिंदी में पढ़ूंगा, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, मगर आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर इस तरह लिखा है 26 वचन में, इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहाँ पर कई प्रकार की बातें हमने देखे थे, और यहाँ पर कहता है कि पहली बात तो यह है कि आत्मा हमारे दुर्बलताओं में मदद करता है। दूसरी बात कहता है कि हम नहीं जानते किस स्थिति से हमें प्रार्थना करना चाहिए। आत्मा आहें भर भर कर हमारे जो बयान से बाहर है वो हमारे लिए विनती करता है, और 27 वचन में कहता है जो मनों को जांचने वाला वो जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, और क्योंकि वो पवित्र आत्मा के पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो विनती करता है। कौन विनती करता है? वो आत्मा, वो पवित्र आत्मा, और इसी कारण यीशु ने कहा था कि वो पवित्र आत्मा को मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, और वो तुम्हारा सहायक बन के आएगा, वो तुम्हारा सहायक होगा। सो पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा जिंदगी का हर बातों में, हर विषय में, और हमारा प्रार्थना की जिंदगी में भी पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है,
क्योंकि हमने देखा था कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है, अगर परमेश्वर सुनता है तो परमेश्वर वो हमारा प्रार्थनाओं का जवाब भी हमें देता है, हमें वो मिलता है जो हम प्रार्थना करते हैं वो हमें मिलता है। तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता। मनुष्य अगर अपने ज्ञान से प्रार्थना करने की कोशिश करे तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना नहीं कर सकता। इसी कारण परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सहायता की जरूरत है, और पवित्र आत्मा ही हमें मदद कर सकता है उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करने में, क्योंकि वो वहीं से आया है और वो जानता है परमेश्वर की इच्छा क्या है, और वो हमारा हमारा मनो को भी जांचने वाला वो प्रभु है। इसलिए वो दोनों तरफ वो बात मतलब मेंटेन करके वो हमें मदद कर सकता है। आइए हम इसके साथ साथ कुछ वचनों को आज हम देखेंगे कि आज की प्रार्थना में, आज के विषय में हमारे लिए क्या रखा गया है। हम यहूदा के, अगर यहूदा की पत्री हम निकालते हैं और यहूदा की पत्री उसका 20 वचन में भी ये कहता है कि पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, मतलब पवित्र विश्वास में हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में पवित्र विश्वास करते हुए और दूसरी ओर पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना। सो आज हम आत्मा में होकर प्रार्थना करना, इस बारे में कुछ बातों को हम देखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे विश्वासी जिंदगी में कि हम आत्मा के विषय में हम सीखें और आत्मा में होकर प्रार्थना करने के विषय में सीखें, क्योंकि आत्मा के बिना, पवित्र आत्मा के बिना हम लोग नाकामयाब है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, और इसी कारण हमें वो पवित्र आत्मा दिया गया एक सहायक के रूप में। पौलुस क्या कहता है इसके विषय में, अगर हम पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय निकालें तो यहाँ पर पौलुस क्या कहता है। पौलुस कहता है यहाँ पर दो बातें हैं 14 वचन में। पौलुस यहाँ पर कहता है इसलिए यदि मैं सॉरी 15 वचन में, अतः क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। पौलुस कहता है हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करना चाहिए और हमें जो है आत्मा में भी प्रार्थना करना चाहिए। तो बुद्धि में प्रार्थना क्या है और आत्मा में प्रार्थना क्या है, इन सारे बातों को हमें जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर मसीह विश्वासी होने के बावजूद भी कई बार हम लोग आत्मा में होकर प्रार्थना करने के विषय में हमारे पास सही जानकारी नहीं होता है, जिसके वजह से कुछ लोगों में गलत फहमियाँ रहती है इस आत्मा में प्रार्थना करने के विषय में। मगर ये सब कुछ वचन में है, अगर हम वचन को हम ढूंढेंगे, वचन में अगर हम इस सारे बातों को देखेंगे तो वचन में सब कुछ है और सारे बातें यहाँ पर छिपी हुई है, सारे बातें यहाँ पर लिखी हुई है। अगर हम इसको देखें, अगर हम इसको जाने, हम जांचे, हम प्रार्थना करें तो हमें सारे बातें पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। हाँ, क्योंकि यीशु ने एक बात बड़ा जोर से कहा था कि तुम इस सच्चाई को जानोगे और यह सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पौलुस भी कहता है पहला तिमोथी उसका 2:14-4 में कि उसकी इच्छा यह है कि हम सबका उद्धार हो और उसके सच्चाई की भली बातें को जाने, मतलब सच्चाई की भली बातें हमें जानने की जरूरत है। आज हम प्रार्थना के विषय में हम सुन रहे हैं और प्रार्थना के विषय में हमारे पास वो सच्चाई होना बहुत जरूरी है कि जो सच्चाई बाइबिल में लिखित है कि प्रार्थना के विषय में क्या लिखा गया है। आइए हम आगे चलते हैं। इसी 14 अध्याय में कुछ बातें हैं जो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है एक विश्वासी होने के नाते। हाँ, हो सकता है हमने आप लोग पहले भी सुने होंगे, मगर आप जानते होंगे, मगर फिर भी आइए हम कुछ बातों को आज हम यहाँ पर देखेंगे। हम पहला कोरिन्थियों उसका 14 अध्याय में हम निकालेंगे और उसका जो है हम लोग 2 वचन से मैं आपके सामने में पढ़ता हूँ और आप लोग इसको आप लोग अपने अपने बाइबल में आप फॉलो कीजिए। यहाँ पर कहा गया है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता
क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। और चार वचन में इस प्रकार से लिखा गया है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है। 14 वचन में लिखा गया है, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। हालेलुया। देखिए यहाँ पर कुछ वचनों को मैंने पढ़ा और इस वचन में कुछ बात लिखे गए हैं और ये बहुत खास बात है। एक विश्वासी के जिंदगी में ये बहुत ही खास बात है। अगर आप पहले शताब्दी के विश्वासियों को देखेंगे, फर्स्ट सेंचुरी में पहले शताब्दी में अगर आप देखेंगे तो वे लोग जब पवित्र आत्मा प्रेरित, खास करके प्रेरित लोग जब पवित्र आत्मा के इंतजार में रहे तो वे लोग वो पवित्र आत्मा के इंतजार में रहे। जब यीशु मसीह के जाने का 10 दिन बाद जब पवित्र आत्मा पेंटिकोस्ट के दिन में उनका उसका बीच में आता है तो वो पवित्र आत्मा में वे भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा में भर जाते हैं तो वो अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर मरकुस उसका 16 अध्याय का अगर आप जो है 17 वचन को देखेंगे, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम में अन्य अन्य भाषा में बातें करोगे। कई बार हमारे बीच में कई लोगों में इस विषय में एक गलत फहमियाँ रहती है कि लोग समझते हैं या कुछ लोग इस तरह सिखाते हैं कि अन्य भाषा का मतलब यह है कि मेरा अपना जो मातृभाषा है उससे बाहर अगर हम कुछ बात बोलते हैं, कोई भाषा हम जानते हैं तो वही अन्य भाषा है। मतलब मैं अगर बंगाली हूँ तो मैं अगर बंगाली होते हुए या संताली होते हुए अगर मैं इंग्लिश भाषा में बात करता हूँ या फिर मैं हिंदी में बात करता हूँ तो उन लोगों का कहने के अनुसार यही मेरे लिए अन्य भाषा है। मगर अन्य भाषा के विषय में बाइबल ये बात नहीं करती, नहीं बोलती है, ये बात नहीं बोल रहा है। क्यों? उसका हम कुछ हम वचनों को हम देखेंगे जहाँ पर ये बात प्रूव करता है कि अन्य भाषा का मतलब जो इस संसार में जो भाषा जो लैंग्वेज चलता है, जो भाषा चलता है वो नहीं बल्कि वो एक अलग भाषा है। आइए हम वचन में देखेंगे, मतलब हमें बुद्धि में भी प्रार्थना करना चाहिए और आत्मा में भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि आत्मा में जो प्रार्थना होता है वो पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना होता है और पवित्र आत्मा में होकर जो प्रार्थना होता है वो प्रार्थना हमारा क्या क्या लाभदायक होता है वो हम यहाँ पर वो भी हम देखेंगे। तो आइए आत्मा में प्रार्थना, बुद्धि की प्रार्थना क्या है, आत्मा में प्रार्थना क्या है, आगे की ओर हम देखते जाएंगे एक एक करके। तो यीशु ने कहा जो विश्वास करने वाले हैं उनके उनके उनका ये चिन्ह होगा, उनका ये यूनिफॉर्म होगा कि वे अन्य भाषा में बातें करेंगे, अन्य भाषा में बातें करेंगे। और पहले शताब्दी में हमने हम अगर प्रेरितों के काम प्रेरितों के पत्री अगर आप पढ़ेंगे उसका 2 अध्याय से आगे, पहले अध्याय से आप पढ़ सकते हैं, वहां पर भी पवित्र आत्मा के बारे में कई प्रकार की बातें कही गई है। लेकिन अगर आप आगे पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरह की बात लिखा गया है कि उस समय वे लोग अन्य भाषा में बातें करते थे, यहाँ तक कि उस समय जो विश्वासी नए नए लोग विश्वास करते थे, विश्वासी बनते थे, प्रभु को ग्रहण करते थे, बपतिस्मा लेते थे, वे लोग आत्मा की बपतिस्मा भी लेते थे, आत्मा की बपतिस्मा उनका से वो बपतिस्मा लेते थे और उस बपतिस्मा लेने के बाद वे लोग अन्य भाषा में बातें करते थे। अगर आप प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में जाएंगे तो 19वां अध्याय में पौलुस और जो है वो एक 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 पहला वचन से 6 वचन के अंदर में वहां पर वर्णन किया गया है कि पौलुस जो है वो इफिसस के उस जगह में जाता है, आज जाके वो कुछ चेलों से उसका मुलाकात होता है और वही चेलों से पूछता है क्या तुम विश्वासी होने के नाते तुमने पवित्र आत्मा को पाया है। तब वे लोग कहते हैं कि सर पवित्र आत्मा पाना तो बहुत दूर की बात है, हम तो पवित्र आत्मा इस संसार में है ही बोल के भी हमने नहीं नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है। प्यारो आज भी कई कितने विश्वासी लोग हैं, कितने पास्टर प्रचारक लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि पवित्र आत्मा एक्चुअली है क्या चीज और पवित्र आत्मा का बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसे कई प्रकार के ना कि केवल विश्वासी बल्कि कई प्रकार के पास्टर प्रचारक लोग भी हैं जिन्हें पता नहीं होता है पवित्र आत्मा के बारे में। जिस तरह प्रेरित को का काम उसका 19वां अध्याय में वर्णन किया गया है कि वो चेले होते हुए भी वे लोग पवित्र आत्मा के बारे में सुने नहीं हुए थे,
मगर पौलुस जब उनको बताते हैं, उनके बातों को वर्णन करते हैं, तब वे विश्वास करते हैं। फिर पौलुस के हाथों में बपतिस्मा लेते हैं, फिर पौलुस उनके ऊपर में हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, फिर वहां पर लिखा गया है वे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, और पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं तो अन्य अन्य भाषा में वे बातें करने लगते हैं। प्यारो, पवित्र आत्मा एक विशेष विशेष एक बात है, विशेष एक विषय है जो प्रभु ने हमारे लिए भेजा है। परमेश्वर हमारे अपने विश्वासियों के लिए उन्होंने भेजा है ताकि हर बातों में पवित्र आत्मा हमें मदद करे। लेकिन कभी कभी सोचते हुए इस बात का मुझे हैरानी लगता है, मतलब आश्चर्य होते हैं, वो लगता है, मैं आश्चर्य होता हूँ कि आज विश्वासी लोग पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। चर्चेस में पवित्र आत्मा के बारे में चर्चा नहीं होता है और इसके बारे में प्रचार बहुत कम होता है। हाँ, एक दो बातों में कह के पार कर दिया जाता है, मगर अगर देखा जाए तो आज पवित्र आत्मा का ही समय है, क्योंकि पिता परमेश्वर हमें वो सृष्टि किया। हम जब नाशमान थे, हम लोग पापी थे, तब परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और उसने अपना पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। जब पुत्र को उसने भेज दिया, पुत्र हमारे उद्धार के लिए अब जो कुछ करना था, जो काम करना था, उसने सारे काम को उसने पूरा किया, सारे बातों को उसने किया, पूरा किया। उसने हमारे लिए उद्धार को संभव किया। जब उद्धार को उसने संभव किया, तो उद्धार को संभव करने के बाद वो चला गया, और जाने के बाद वो अपने पवित्र आत्मा को भेजता है, और पवित्र आत्मा ही है अभी हमें इस दुनिया में, हमें हर बातों में मदद करता है, हमें अगुवाई करता है, हमें प्रार्थना में भी वो मदद करता है। हमारे लिए, हमारे होकर वो पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करता है और हमें तैयार करता है, हमें बनाता है कि प्रभु यीशु मसीह जब लौट के आएगा, हम उसके लायक, हम दुल्हन बन सके, वो उसके लिए हमारे लिए वो काम करता है। सो प्यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है पवित्र आत्मा के विषय में जानना और उसके सहायता को हमारे जीवन में लेना, खास करके प्रार्थना के विषय में। सो आज हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं, तो प्रार्थना के विषय में यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया कि तुम पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो। पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में होकर प्रार्थना करता हूँ, और यहाँ पर कह रहा है कि आत्मा में होकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो आत्मा में होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, एक्चुअली वो प्रार्थना क्या है? बुद्धि में होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, एक्चुअली वो प्रार्थना क्या है? वही बातों को हम यहाँ पर एक एक करके हम देखते जाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बातों को जानना। हालेलुया। सो आइए हम इस बातों पर चर्चा करें कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना क्या है। मतलब इसका मैं आपसे कहा कि जो है लोगों में जिस प्रकार के एक धारणा है कि अन्य भाषा में बातें करने का मतलब और मनुष्य से मतलब अलग लैंग्वेज में बातें करना, एक्चुअली वो नहीं है। क्यों नहीं है? आइए हम आगे की ओर हम देखते हैं वचन में क्या लिखा गया। दो वचन में कहता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं। पहली पॉइंट, अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो यह मनुष्य से बातें करना नहीं है। अगर जैसा 15 वचन में लिखा गया कि बुद्धि से प्रार्थना और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करना, बुद्धि से प्रार्थना करने का मतलब होता है हम जो इस संसार में जो लैंग्वेजेस हम इस्तेमाल करते हैं, बंगाली हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उड़िया हो, तमिल हो, या और कुछ लैंग्वेज हो, जो लैंग्वेज इस संसार में है, जो भाषाएं हैं, और जो उस भाषाएं में जब हम बातें करते हैं या उस भाषाएं में जो हम प्रार्थना करते हैं, वो उसको कहा जाता है वो बुद्धि से प्रार्थना करना। मगर जब हम आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं तो उस वो आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं तो वो मनुष्य से बातें कर जो बात मनुष्य समझ सकता है वो बात हम नहीं करते हैं। मतलब मनुष्य कौन सी बात समझ सकता है? मनुष्य केवल इस संसार में जो भाषाएं है वही भाषा में प्रार्थना करने से मनुष्य समझ सकता है। इसका मतलब यह हुआ, ये प्रार्थना वो प्रार्थना है जो मनुष्य नहीं समझ सकता। यहां पर कहता है क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, मतलब इस संसार के लैंग्वेज से नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बात को समझना। कई बार अगर इस बात को अगर हम समझ जाए तो हमारे
अन्य भाषा के बारे में या फिर पवित्र आत्मा में प्रार्थना करने के बारे में हमारा कोई गलतफहमी नहीं रहेगा और ये हमारे लाभदायक है, हम सब के लिए लाभदायक है। ये मैं कोई आपके सामने कोई डिनोमिनेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं जो बात प्रचार कर रहा हूं वो वचन में, वचन से मैं आपको पढ़ते हुए दिखाते हुए पॉइंट दिखाते हुए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो आइए हम आगे चलते हैं। आगे इस प्रकार से लिखा गया है कि मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। पहली बात, हम जो अन्य भाषा में जब प्रार्थना करते हैं या फिर बात करते हैं तो वो मनुष्य से बात हम नहीं करते हैं, मगर हम डायरेक्टली हम परमेश्वर से हम बातें करते हैं। तीसरी पॉइंट यहां पर क्या कहते हैं, इसलिए कि उसके बातें कोई नहीं समझता। अब बातों को देखिए, मनुष्य से हम बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। तीसरी पॉइंट में कहता है इसलिए ये कोई भी, मतलब इसलिए कोई भी वो नहीं समझ सकता। अगर संसार के अन्य भाषा के, मतलब अगर संसार के भाषाएं के बारे में कहा जाता तो इसका ये लाइन नहीं लिखा होता कि कोई भी नहीं समझता। मतलब ये वो भाषा है, वो लैंग्वेज है जिसको इंसान नहीं समझ सकता, जिसको जिसके द्वारा हम मनुष्य से बातें नहीं करते हैं, मगर संसार के जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज से उस लैंग्वेज के द्वारा हम मनुष्य के साथ हम बात करते हैं, बातें करते हैं, या फिर मनुष्य हमारा बातों को समझ सकता है। मगर यहां पर कहा जा रहा है मनुष्य से बातें हम नहीं करते हैं, ये मनुष्य नहीं समझ सकता, ये केवल परमेश्वर से हम बातें करते हैं। तो मैंने तीन पॉइंट आपको दिया, आगे और भी है। चौथी पॉइंट में कहा जाता है, यहां पर चौथी पॉइंट में यहां पर कहा गया है कि हम क्या करते हैं, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। चौथी पॉइंट, पहला पॉइंट, हम मनुष्य से बात नहीं करते हैं जब हम अन्य भाषा में बातें करते हैं या फिर हम अन्य भाषा से प्रार्थना करते हैं तो हम कोई मनुष्य से बात नहीं करते हैं। दूसरी पॉइंट, हम डायरेक्टली हम परमेश्वर से बातें करते हैं। तीसरी पॉइंट, ये बात कोई इंसान नहीं समझ सकता। चौथी पॉइंट, ये बात जब हम करते हैं तो हम भेद की बात करते हैं, गहराई बात करते हैं, वो रेवलेशन की बात करते हैं जो लोग नहीं समझते, इंसान नहीं समझ सकता, यहां तक कि बोलने वाला भी नहीं समझ सकता। वो एक भेद की बात है, वो डायरेक्ट परमेश्वर से बातें किए जाते हैं, वो परमेश्वर उस बात को समझता है। रोमी में कहा गया कि आत्मा आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, मतलब इंसान के लैंग्वेज के द्वारा जो वर्णन करने से बाहर है, उस लैंग्वेज के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे होकर, पवित्र लोगों के होकर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो बातें करते हैं। यहूदा कहता है कि पवित्र आत्मा में होकर तुम प्रार्थना करो। प्यारों, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हम प्रार्थना कैसे करें। तो मैंने आपको चौथी पॉइंट दिया, और पांचवा पॉइंट में आइए हम देखेंगे। पांचवा पॉइंट में जो है चार वचन में, वो यहां पर 14:4 में वो लिखा गया है, यहां पर लिखा गया है, हम देखेंगे, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपने ही उन्नति करता है। आप पॉइंट कीजिए इस बात को, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपना उन्नति करता है। अगर आप विश्वासी है या फिर आप कोई पास्टर हो या प्रचारक हो, कोई भी हो, अगर आप अपना आत्मिक जिंदगी में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, अपना उन्नति करना चाहते हैं, आप जरूर जानते हैं कि मसीह जिंदगी में उन्नति करना बहुत जरूरी है। जो प्रार्थना हम करते हैं, जिस विषय में हम प्रार्थना करते हैं, जिस विषय पर हम मांगते हैं, उस विषय पर अगर हम विश्वास नहीं कर पाते, मतलब हम वो विश्वास नहीं कर पाते कि हमने मांगा तो परमेश्वर ने सुन लिया, और जब सुन लिया तो वो हमारे लिए पूरा करेगा, तो फिर उस प्रार्थना का कोई महत्व नहीं रहता है। जस्ट हमारा एक अपने आप को सांत्वना देने जैसा एक मतलब बोल हम हमारा मुंह से हम बोलते हैं और बस वही होता है। तो इसीलिए
हमने देखा था कि हम प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसमें हमारा विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के बारे में कई प्रकार के बातें, कई प्रकार के वचन हमने देखा था, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था इस विषय में, और उसको भी हमने देखा था। उसके साथ साथ जो और एक इम्पोर्टेंट बात हमने सुना था कि हमारे हम किस तरह किस रीति से हम प्रार्थना करते हैं, हम वो प्रार्थना हमें मालूम नहीं है। तो इसलिए आइए हम उसी जगह से हम स्टार्ट करें आज के वचन। आज हम रोमियो उसका 8 अध्याय का हम 26 और 27 वचन को हम निकालें, और वहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, और आप लोग भी अपने अपने बाइबल पर आप देख सकते हैं। तो मैं आज आपके लिए आपके लिए प्रार्थना करें तो ये आपके लिए जरूर फायदेमंद ही होगा। पवित्र आत्मा आपके हित में प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके उन्नति के लिए प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करता है। आप कभी आप भी नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते होंगे हमारे कई बार कौन सी बातों के ऊपर में हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, कौन सी बातों के ऊपर में हमें ज्यादा जो है प्रार्थना करना चाहिए, हमें भी कई बार नहीं पता होता है। यही तो वचन कह रहा है कि हमें पता नहीं होता है किस रीति से हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो हम जस्ट एक मतलब एक ट्रेडिशन वे से हम कुछ बातों को हम जानते हैं, हमें इस, और इसी तरह हमारे प्रार्थना कई बार हम लोग इस तरह प्रार्थना करते हैं एक ट्रेडिशन वे से, मतलब जस्ट एक प्रार्थना का मतलब अपने बुद्धि से जो जो उनको याद आया, जो जो उनको समझ में आया, और उस समझ के अनुसार, उस बुद्धि के अनुसार, उस याद के अनुसार उस वो एक प्रार्थना का लिस्ट बना लेते हैं लोग, और उसके अनुसार लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं। मगर पौलुस कहता है कि ठीक है, वो भी गलत नहीं है। पौलुस कहता है कि हाँ, फिलिपियों में कहता है कि किसी बातों के लिए चिंता ना करना, बल्कि तुम जो है हर बातों को जो है प्रार्थना में धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास अपने विनती को विनती करना, धन्यवाद के साथ मतलब हर बातों के लिए, हर एक बात को हम धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर को अवगत करते हैं, हम परमेश्वर के सामने लेके आते हैं, वो अच्छी बात है। मतलब उसी के बारे में पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूँ, मगर जब आत्मा के विषय में प्रार्थना करने की बात आती है तब वो लिस्ट वाली प्रार्थना नहीं है जो हमारे बुद्धि के द्वारा आता है या हमारा समझ के द्वारा आता है, वो प्रार्थना नहीं है। वो प्रार्थना हमारा समझ से परे है, वो प्रार्थना हम भी नहीं समझ सकते, हम भी नहीं जान सकते वो भाषा। इसीलिए यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन भी के बारे में भी कहा गया है, तो वो अलग विषय है। हाँ, इसीलिए उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मगर यहाँ पर इस तरह से कहता है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो हमारे लिए आत्मा प्रार्थना करता है, आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। तो अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं तो वहां पर आत्मा प्रार्थना करता है, ना कि मैं प्रार्थना करता हूं। आगे सातवां पॉइंट में कहा गया है कि परंतु हमारा बुद्धि जो है वो काम नहीं करता। देखिए, सात बातें मैं आपको बता रहा हूं, सात पॉइंट है यहां पर। पहली बात, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या फिर हम अन्य भाषा में बातें करते हैं तो वहां पर क्या होता है, हम मनुष्य से बात नहीं करते हैं। मतलब मनुष्य से जिस लैंग्वेज में हम बात करते हैं वो लैंग्वेज में हम बात नहीं करते हैं, बल्कि दूसरी पॉइंट में हम डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। तीसरी पॉइंट में हमारा वो इंसान समझ नहीं सकता, जो हम प्रार्थना करते हैं इंसान उसको समझ नहीं सकता। चौथी पॉइंट में हमने देखा कि हम जब प्रार्थना करते हैं तो इसमें हम भेद की बातें करते हैं। पांचवा पॉइंट में हम जब देखते हैं कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा उन्नति होता है। छठा पॉइंट में हमने देखा कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वहां पर आत्मा खुद वो प्रार्थना करता है, जो बातें रोमियो में वर्णन किया गया कि आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है। और सातवां पॉइंट हमने देखा कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वहां पर हमारा बुद्धि काम नहीं करता है। मतलब दो प्रकार की प्रार्थना आज हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक जो ट्रेडिशन वे से या फिर हमारा समझ हमारा बुद्धि के अनुसार जो होता है वो एक प्रार्थना है जो साधारण लैंग्वेज में प्रार्थना किया जाता है, जो इस संसार के लैंग्वेज है, और दूसरी हमारा आत्मा में होकर प्रार्थना, जो प्रार्थना पवित्र आत्मा के द्वारा होता है वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अपना उन्नति करते हैं, हम खुद की उन्नति संभव करते हैं।
आज अगर मसीह समाज अगर कमजोर है या किसी बातों में, विश्वास में हो, वचन में हो, समझ में हो, प्रकाशन में हो, हाँ किसी बातों में, या पवित्रता में हो, प्रभु में जिंदगी जीने में हो, प्रार्थनाशील जिंदगी में हो, या किसी बातों में अगर आज मसीह समाज कमजोर है, इसका मतलब वो उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। उन्नति क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उसका एक ही कारण है, आज मसीह समाज में अन्य भाषा में प्रार्थनाएं कम किए जाते हैं। सो प्यारो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अन्य भाषा में प्रार्थना करना। और अन्य भाषा में प्रार्थना करना ये कोई मतलब कोई इंसान से बातें करना नहीं है, बल्कि हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना हम डायरेक्टली परमेश्वर से करते हैं, भेद की बात करते हैं, और इसमें हमारा ही उन्नति संभव होता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली पवित्र आत्मा हमारे लिए बातें करते हैं। सो कई प्रकार के, आइए हम इस समय कई प्रकार के जो है इस बातों को हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की गलत फहमियां हो सकता है, लोगों में रह सकता है। मुझे नहीं, आपके बारे में मुझे पता नहीं है, मगर मैं बता रहा हूँ इस विषय में, मैं अपना अनुभव में से बात कर रहा हूँ। मैं अपना अनुभव में मैं देखा हूँ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से अपना उसमें क्या सामर्थ्य होता है। अगर और कुछ पॉइंट्स में मैं जोड़ दूं तो आपको मैं बताऊं, और एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आठवां पॉइंट आप देख सकते हैं। देखिए, अन्य भाषा में प्रार्थना करने से और एक बहुत बड़ा काम होता है, वो क्या है आप जानते हैं? वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ना, तो हमारा प्रार्थना को जो है वो शैतान समझ नहीं पाता, वो समझ नहीं सकता। शैतान इंसान के भाषा को समझता है, मगर शैतान पवित्र आत्मा के जो भाषा है, जो अन्य भाषा है, उसको वो नहीं समझ सकता। तो इसमें फायदा क्या है? फायदा यह है प्यारो, अगर हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना अगर शैतान समझ नहीं सकता, तो फायदा यह है कि वो हमारा प्रार्थना को रोक नहीं सकता, और हमारा प्रार्थना का जवाब पाने में भी उस जवाब को शैतान रोक नहीं सकता, क्योंकि हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना शैतान समझ नहीं सकता। आप उसके बारे में आप एक उदाहरण आप देख सकते हैं, दानियल के पुस्तक में। दानियल एक बार वो प्रार्थना कर रहा था और उसकी प्रार्थना जो है वो शैतान ने उसको रोक के रखा था 21 दिन तक, और उस वो इस कारण दानियल उपवास के साथ वो 21 दिन तक उस प्रार्थना के जवाब पाने का इंतजार में वो रहा, वो था इंतजार में था 21 दिन तक उसका प्रार्थना सुन लिया गया था, मगर उसका जवाब आने में देर हो रहा था, क्योंकि वो शैतान जो है उस प्रार्थना का जवाब को दानियल तक पहुंचने में वो बाधा डाल के रखा था और रुकावट करके रखा था। मगर वहां पर मिकाएल आके मदद करता है और उस वो जो है उसका प्रार्थना का उत्तर उसके पाने में उसे मदद करता है। प्यारो, कई बार हम जो है हमें पता नहीं होता हम क्या प्रार्थना करते हैं, मगर हम जो प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना कई बार उसका जवाब हमें नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम अपने बुद्धि के अनुसार हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम अपने समझ के अनुसार प्रार्थना करते हैं, हम ये भी नहीं देखते कि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा या नहीं हो रहा। एक विषय के ऊपर में हम बार बार दोहराते रहते हैं, मगर प्रभु, हमने पिछले बार देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि यीशु मसीह डायरेक्टली मना कर रहा है कि किसी बातों के ऊपर में हम जब प्रार्थना करते हैं तो उसको ना दोहराया जाए, क्योंकि परमेश्वर जानता है, आप ही वो जानता है हमें किस बातों के लिए जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा, तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, मतलब एक इंसान को जीने के लिए जो जो चीज की जरूरत है, जो खास जरूरत चीज है, वो है खाना पीना कपड़ा। और वो खाना पीना के बारे में यीशु मसीह कहता है कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, या फिर क्या पहनोगे, उसके बारे में तुम चिंता मत करना, उसके बारे में तुम तत्पर मत होना, क्योंकि परमेश्वर वो जानता है इन सारे वस्तुओं की तुम्हें जरूरत है। हालेलुया, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें भी, विश्वासियों को भी ये बात जानने की जरूरत है कि हमारे जो जरूरतमंद की चीज है वो परमेश्वर खुद जानता है। परमेश्वर जैसा हमारा जरूरतों को जानता है, वैसा हमें भी इस बात को जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारा जरूरतों को जानता है। इस बात को हमें जानने की जरूरत है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम जानते हैं तो फिर हम कोई लिस्ट को लेकर हम पढ़ा नहीं देंगे, मतलब हम बुद्धि से प्रार्थना के ऊपर में ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, ज्यादा हम उस विषय पर हम जोर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम उस विषय पर जोर लगाएंगे जो कि हमारे इन सारे जरूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करता, बल्कि हमारे उन्नति के लिए प्रार्थना करता है। और वो उन्नति के लिए प्रार्थना ही है अन्यवासा में प्रार्थना करना, जो कि वचन हमने साफ साफ देख रहे हैं। वचन कहता है कि हमें अन्यवासा में प्रार्थना करने से हमारा उन्नति होता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम इन सारी बातों के लिए तुम कोशिश मत करना, बल्कि तुम सबसे पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो, उसके राज और उसके धार्मिकता की खोज करो। अगर तुम ऐसा करते हो, सबसे पहले उसके राज और उसके धार्मिकता की खोज करते हो, तो फिर इन सारे बातों के ये सारे बातें जो है तुम्हारे लिए जोड़ दिए जाएंगे। मतलब इन सारे बातों के लिए तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम एक परमेश्वर के संतान हो, और परमेश्वर एक अच्छे पिता होने के नाते उन्हें पता है कि उनके बच्चों को क्या चीज की जरूरत है, कौन सी चीज की जरूरत है, और उनको पता है उन्हें किस तरह उन सारे उनका जरूरतों को पूरा करेगा, और परमेश्वर पूरा करता भी है, वो अपने प्रतिज्ञा में विश्वास योग्य है। मगर यीशु मसीह का कहना क्या है उस पर हम गौर करेंगे, जो कि मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन में यीशु मसीह कहता है कि तुम सबसे पहले उसका राज और उसके धर्म की खोज करो। उसका राज और धर्म क्या है आपको पता है? उसका राज और धर्म क्या है? उसका राज और धर्म क्या है? उसका राज का मतलब यह है लोगों में सुसमाचार प्रचार होना, लोगों में प्रभु के राज्य को बढ़ाना, यह है उनका राज्य, और मतलब उसके राज्य को हमको बढ़ाना चाहिए। और दूसरी ओर हमें धार्मिकता के बारे में हमें ज्यादा गौर करना चाहिए, हमें उसके लिए हमें प्यासे होना चाहिए, उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। वो धार्मिकता क्या है? अपना आत्मिक जिंदगी का उन्नति, अपना आत्मिक जिंदगी का उन्नति, अपने आप को परमेश्वर का साइड में रखना, अपने आप को परमेश्वर के साइड में रखते हुए हर दिन की जिंदगी में दिन प्रतिदिन अपना उन्नति करते रहना, मसीह में मजबूत होते रहना, मसीह में बढ़ना, बढ़ोतरी, हमारा मजबूत होना, हम उस दिल डॉल तक पहुंचे, हमारा पहुंचना, यह होता है हमारा धार्मिकता का खोज करना। उस पर हमारा गौर लगाना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान रहना चाहिए, ना कि एक साधारण प्रार्थना में बैठ गया, एक बड़ा लिस्ट लेके परमेश्वर को हम हुकुम देते रहे, परमेश्वर हमारे लिए ये कर वो कर वो कर, हमें इसकी जरूरत है उसकी जरूरत है। ऐसा लगता है कि परमेश्वर को कुछ भी पता नहीं है, हमारे जरूरत के विषय में कोई ध्यान नहीं है, हम उसको याद दिलाते रहते हैं, जबकि इसकी जरूरत नहीं है, वो खुद जानता है हमें इन सारे बातों की जरूरत है। हालेलुया। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए क्या कि हम उसका राज और धार्मिकता के बारे में कोशिश करें। आज हमारा विश्वास होने के नाते मैं नहीं जानता आपके बारे में, लेकिन आपका गवाही का जिंदगी क्या है? उसका राज्य कहां से बढ़ेगा? एक गवाही का जिंदगी। आप पहले शताब्दी के विश्वासियों को देखिए, आप प्रेरितों के पत्र को अच्छा से पढ़िए, वे लोग सुसमाचार प्रचार करने में लगे रहे। जब जब ताड़ना आया, जब यरूशलेम में उसका पर में ताड़ना आया, तब सारे विश्वासी वो चितर बितर गए। और सारे विश्वासी जब चितर बितर गए तो वो जहां जहां चले गए वहां वहां जाके वे लोग सुसमाचार प्रचार किए करने लगे, ना कि वो डर के मारे छिप गए, ना कि वे जो है वो आंदोलन करने लगे, ना कि वे उनके लिए जो है आओ हम मिलके हम घुटना में रहे और प्रार्थना करते रहे, ऐसा वे लोग ऐसे नहीं किया। मगर वे लोग क्या किए? वे लोग गए और जाके सुसमाचार प्रचार करते रहे, बीमारियों को चंगा करता रहा, हाँ वो लोग जो है अलौकिक काम करते रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। विश्वासी लोग ये करता, कहां से आया था ये लोग था? ये उनके अंदर में ये साहस ये पवित्र आत्मा के कारण आया था, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा आया था। प्यारो, हमारा धार्मिकता यही है, परमेश्वर का राज्य यही है कि हम इस संसार में हम उसका सुसमाचार को फैलाने के लिए एक गवाही का जिंदगी जिए। आज अगर हमारा देश में जितना विश्वासी लोग है, अगर ये सारे के सारे अगर एक गवाही का जिंदगी एक नमूना के तौर पर इस संसार में अगर पेश करते, अगर दुनिया के सामने अपने अड़ोस पड़ोस के सामने या फिर अपने कॉलिग के सामने, अपने क्लासमेट के सामने, या फिर अपना दूध वाले चाय सब्जी वाले अपने जो घर में काम करने वाले, अगर इन सारे लोगों के सामने हम अगर एक गवाही की जिंदगी अगर मसीह विश्वासी लोग अगर पेश करें, मेरा विश्वास है, मेरा मानना है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके बारे में मुझे पता नहीं, मगर मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, परमेश्वर का राज्य बड़ा स्पीड से बढ़ते जाएगा, क्योंकि लोग हमारे जिंदगी को देखते हैं,
लोगों का नजर है हमारा जिंदगी क्या कैसा है, हम कैसा जीते हैं वो लोग देखते हैं। अगर हम इस पर गौर नहीं करते तो हम मसीह का राज को नहीं बढ़ा सकते। जबकि यीशु मसीह ने कहा तुम उसके राज्य के बढ़ाने उसका राज्य के बारे में कोशिश करो। हाँ, धार्मिकता, हमारा धार्मिकता कहां से आएगा अगर हम पवित्र आत्मा में हम पवित्र आत्मा को नहीं अपनाते हैं, अगर पवित्र आत्मा के अगुवाई पर हम नहीं चलते तो हमारा धार्मिकता कैसे बढ़ेगा। यीशु मसीह के द्वारा हमने धार्मिकता को प्राप्त कर लिया, लेकिन उस धार्मिकता में हमें बने रहना, उस धार्मिकता में हमें जीना, उस धार्मिकता में हमें बढ़ना, उन्नति करना, ये कहां से होगा? हमारा आत्मिक जिंदगी में उन्नति करना कहां से होगा? वचन कहता है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा होगा, अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा होगा। कई प्रकार के पास्टर को मैंने सुना है अन्य भाषा के विरोध करते हैं, अन्य भाषा के विरोध करते हुए कितना प्रकार के बातें करते हैं। मुझे पता नहीं वो लोग कहां से ये सब बातें पाते हैं, मगर मेरा कहना उनको नीचा दिखाना नहीं, मगर मेरा कहने का मतलब है आज इस अंतिम समय में एक विश्वासी के होने के नाते आपको प्रोत्साहित करना, आपको सही चीज दिखाना, ये मेरा मकसद है। क्योंकि ये सही चीज मैंने मेरे जिंदगी में पाया है और इस सही चीज का कारण, यही प्रार्थना के कारण मेरा उन्नति का विषय है, यही मेरे लिए उन्नति का विषय है। प्यारे, मैं आपको बता रहा हूं अन्य भाषा में प्रार्थना ये कोई एक अलग एक कोई खास ग्रुप के लिए नहीं है, ये कोई ट्रेडिशन नहीं है, बल्कि ये वो पवित्र आत्मा के प्रार्थना है जो प्रार्थना पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए करता है। जिस प्रकार हमने यहाँ पर पॉइंट्स को पाया, आप पहले शताब्दी के विश्वासी लोग यही करते थे, यही वो करते थे, जिसके वजह से वे लोग प्रभु के लिए जो है एक बड़ा एक नमूना बने थे। आज हमें भी नमूना बनना चाहिए अगर हम विश्वासी कहलाते हैं, अगर विश्वासी है। इस संसार के बातों में हम बहुत मौज लगे रहते हैं, मगर आपको इस बात को सोचना चाहिए, याद करना चाहिए, इस संसार का हर एक चीज एक दिन हमें छोड़ के जाना पड़ेगा, हर एक चीज यही पड़ा रहेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब अंतिम समय आएगा ये सारे चीज जल जाएंगे, पिघल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। हम अपना शरीर को भी हम अपना साथ नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा वो समय ये शरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा, ये शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये रक्त और मांस का शरीर है, इस मिट्टी से बनाया गया है, इसी मिट्टी में ये मिल जाएगा, मगर हम वहां जाने के लिए हमें महिमा का शरीर दिया जाएगा। और वो महिमा का शरीर जब यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा, उस आगमन में हम पलक झपकते ही हम बदल जाएंगे अगर हम उस समय तक जीवित रहेंगे। अगर हम मसीह में मर भी जाते हैं, सो भी जाते हैं, तो हम उस समय जीवित होंगे, उस महिमा का शरीर पाके हम स्वर्ग में जाए, हम परमेश्वर के साथ हम मिलेंगे, यीशु के साथ मिलेंगे। तो इस संसार का कुछ भी बात नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा उस पर तुम्हारा ध्यान ना हो, बल्कि हमारा ध्यान अपना आत्मिक उन्नति पर होना चाहिए, उसके राज्य को बढ़ाने में होना चाहिए। आज आप जस्ट अपने आप को आप देखिए, सोच के देखिए, रियलाइज करके देखिए कि आज आपका अमर है, कि आपका जिंदगी कैसा है, आपका गवाही का जिंदगी कैसा है, आप मसीह के लिए क्या नमूना पेश कर रहे हैं, आपका आत्मिक उन्नति क्या है, आप जब प्रार्थना करते हैं तो किस तरह के प्रार्थना करते हैं। आज भी मुझे इस बात को देखते हुए आश्चर्य होता है जब लोगों को, मसीह विश्वासियों को मैं देखता हूँ, वे लोग अपना परिचय देते हैं, मैं 50 साल का पुराना विश्वासी हूँ, या फिर मेरा पिताजी विश्वास के पहले विश्वासी थे, या मेरा दादाजी नानाजी पहले विश्वासी थे, इस प्रकार का गवाही देते हैं। और साथ में ये भी वही लोगों को मैं जब देखता हूँ कि वे लोग प्रार्थना के कतार में खड़े होते हैं कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करे, मेरे लिए कोई दुआ करे, वो लिस्ट भेजते हैं प्रार्थना रिक्वेस्ट, और इसमें वे लोग पूरा लिस्ट लिख देते हैं, मेरा ये समस्या है, कोई कहता है मेरा नौकरी के लिए, कोई कहता है मेरा बिजनेस के लिए, कोई कहता है मेरा शरीर के लिए, मेरा वो इसके लिए उसके लिए, इस तरह के लिस्ट भेजते हैं। आज भी अगर विश्वासी का यह हालत है, जो कि पुराना 50 साल का पुराने विश्वासी हो, 10 साल का हो, 20 साल का हो, अगर यह हालत है, इसका मतलब आप सोच के देखिए उसका आत्मिक उन्नति कहां तक पहुंचा है, आत्मिक उन्नति किस जगह पर है आप देखिए। और यह आत्मिक उन्नति क्यों नहीं है, क्योंकि उसका मेन जो पॉइंट है कि वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं। अन्य भाषा में प्रार्थना कहां से होगा जबकि पवित्र आत्मा को ही अपनाया नहीं गया है। और पवित्र आत्मा को अपनाएगा कहां से, उसको ग्रहण करेगा कहां से, जबकि पवित्र आत्मा के विषय में सही शिक्षा या सही वचन लोगों तक ना पहुंचे, जब उनके पास पवित्र आत्मा के बारे में गहराई से सही प्रकाशन के साथ सही शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से लोग पवित्र आत्मा को नहीं अपनाते हैं।
विश्वास होने के नाते होने के बावजूद वो पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करते। आप पवित्र आत्मा को जब ग्रहण ही नहीं करेंगे तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने का कोई सवाल ही नहीं आता। और जब अन्य भाषा में प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो आत्मिक उन्नति कहां से होगा? और आत्मिक उन्नति जब नहीं होगा तो यही होगा ना कि 50 साल का पुराना होने के बाद भी, विश्वास होने के बाद भी वो प्रार्थना के लिए आज भी रिक्वेस्ट भेजते हैं। मतलब आत्मिक उन्नति कुछ भी नहीं है, आज भी जीरो है, आज भी नीचे पड़े हुए हैं। ऐसा ऐसे हालत में जब यीशु मसीह आएगा, वे इस तरह के लोग कैसे उस दिन यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए जाएंगे? कैसे जाएंगे? आप जस्ट सोच के देखिए। मैं किसी को हार्ट नहीं कर रहा हूं, या फिर मैं ना किसी का कोई मतलब डॉक्ट्रिन को मैं हार्ट कर रहा हूं, नहीं, ये सब मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब है जो वचन कहता है उसको आपके सामने प्रकट करना, ताकि आप इस सच्चाई को जाने और इस सच्चाई के अनुसार आप चले, आपका जिंदगी का लाभ हो, ना कि मेरा। आप अगर इस शिक्षा को, इस वचन को अपना सकते हैं, मैं आप लोगों को जानता तक नहीं, आप लोगों को मैं देखा तक नहीं, बल्कि मैं फिर भी यह बात क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कि ताकि आपका लाभ हो। आप एक विश्वासी हो, आप मेरा भाई हो या बहन हो, आपका उन्नति हो, ताकि उस दिन हम स्वर्ग में जब प्रभु मसीह यीशु मसीह हमें इकट्ठा करेगा मध्य आकाश में, ताकि हम वहां पर हम एक दूसरे से मिल सके, हम अनंत काल तक हम एक साथ परमेश्वर का साथ, यीशु मसीह के साथ हम रह सके, हम एक दूसरे के साथ भाई बहन हम एक साथ रह सके। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं, क्योंकि यही है आत्मिक उन्नति में मदद करने वाला, यही प्रार्थना। सो आइए प्यारो, मैं आपको बता रहा हूं इन सारे बातों को जिस विषय में मैंने चर्चा किया, और इस बातों का ऊपर में हम गौर करें। मैंने जैसे कि मैंने आपको आपसे बताया कि आप अगर इस बातों के ऊपर में आप गौर करते हैं, आप ध्यान इस पर ध्यान लगाते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो इसमें आपका ही फायदा होगा, मेरा नहीं, मैं तो आपको जानता तक नहीं, बल्कि आपका फायदा होगा। क्या क्या फायदा होगा मैंने आपको बताया। पहली बात, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ, पहली बात, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना मनुष्य से नहीं करते हैं, मतलब कोई नॉर्मल लैंग्वेज से हम नहीं करते हैं। दूसरी बात, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, डायरेक्टली परमेश्वर से बातें करते हैं। तीसरी बात, हम कोई इस बात को, इस भाषा को, इस प्रार्थना को मनुष्य नहीं समझ सकता। तीसरी चौथी बात, हम भेद की बातें करते हैं। पांचवा, हमारा आत्मिक उन्नति होता है, हमारा आत्मिक उन्नति होता है। छठा, आत्मा खुद हमारे लिए प्रार्थना करता है। और सातवा, वहां पर हमारा बुद्धि, हमारा समझ काम नहीं करता। और यही एक मजबूत विषय है, अगर हम इसको अनुसरण करें, इसका अपनाएं, तो हमारा आत्मिक उन्नति होगा, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के पास पहुंचेगा, परमेश्वर उसको सुनेगा, और हम जिस विषय पर प्रार्थना करते हैं उस विषय में हमें जवाब देगा। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, कई बार कुछ विषय पर मैं कुछ परेशानी में होता हूं या कुछ भी बात आ जाता है, तो उस समय मैं नॉर्मली अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगता हूँ, नॉर्मली, ना कि मैं परमेश्वर से अपना लैंग्वेज से, मैं ये ऐसा हुआ परमेश्वर तुम इसको संभालो, इसको दूर करो, इसे मुझे छुड़ा लो, ऐसा नहीं, बल्कि मैं नॉर्मली अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ और तुरंत उसका जवाब मुझे मिल जाता है, तुरंत मुझे, मैं उस बातों से मैं जयवंत होता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस के कहने के अनुसार आइए हम आत्मा में प्रार्थना करना सीखें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस कहता है कि मैं आत्मा में होकर भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ, मतलब अन्य भाषा में भी प्रार्थना करना चाहिए और नॉर्मल लैंग्वेज में भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यहूदा ने कहा कि तुम जो है विश्वास में, पवित्र विश्वास में, साथ में पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना करो। और रोमियो में भी हमने देखा कि वही बात कहा गया कि आत्मा हमारे प्रार्थनाओं में, हमारे कमजोरी में, हमारे दुर्बलताओं में हमें मदद करता है। हम इंसान होने के नाते हम लोग कमजोर हैं, मगर जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करते हैं, तो हमारा प्रार्थना कमजोर नहीं रहता, बल्कि वो पावरफुल होता है, और वो प्रार्थना वो सारे गढ़ों को ढा देने के लिए वो सामर्थ्य है। शैतान का हर एक गढ़ को वो ढा सकता है, हर एक दुष्ट आत्मा भागेंगे, वो हमें हमारे किसी तरह से कोई हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा प्रार्थना समर्थित प्रार्थना है। और ये ऐसे एक प्रार्थना है आप हर वक्त कर सकते हैं,
चलते फिरते काम करते, हर वक्त सोते आप बैठते आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ तो मैं अन्य वसा में प्रार्थना करते करते मैं गाड़ी चलाता हूँ। परमेश्वर की महिमा हो आज की शाम के लिए और इस सुंदर विषय के लिए, जिस सुंदर विषय के ऊपर में आज हमने पवित्र आत्मा ने हमें अगुवाई किया मुझे, और इस विषय पर उसने हमारे साथ बातें की है। आइए हम उसको धन्यवाद करेंगे आज सुंदर विषय के लिए, सुंदर प्रार्थना के विषय के लिए। आइए हम उसको धन्यवाद करें और हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि प्रभु सच में ये गहराई बात है जो बात कई लोगों के बीच में प्रभु प्रकट नहीं है, मगर तू चाहता है कि इस अंतिम दिनों में तेरे लोग इस सच्चाई को जाने, तेरे लोग सच्चाई के उस गहराई को, भलीभांति को जाने प्रभु तू चाहता है, और यही सच्चाई लोगों को स्वतंत्र करेगा, ये बात यीशु मसीह तूने कहा है। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं इस भेद के बातें के लिए। आज अंतिम दिनों में ऐसा हो प्रभु, ताकि तेरे लोग जो कहलाते हैं, जो विश्वासी हैं, वे लोग इस बात को प्रभु ठोसता के साथ, दृढ़ता के साथ जाने और अपनाए कि जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना और मजबूत बने, ताकि प्रभु तेरे आगमन के लिए सब प्रभु तैयार हो और तेरे साथ जाने के लायक बने। प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, सारे आदर महिमा सम्मान तुझको देते हुए ये विनती प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमेन। हालेलुया, सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आप आशीषित हुए हैं, प्रभु के धन्यवाद हो, आमेन।